मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इनफॉर्मल लेटर लिखने का सही तरीका देखेंगे कि किस प्रकार से इनफॉर्मल लेटर लिख करके हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, चाहे आपके एग्जाम में कोई भी लेटर आए, एक ऐसा फॉर्मेट दूंगा जिसके माध्यम से आप सभी लेटर को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे और एग्जाम में सबसे अच्छा स्कोर गेन करेंगे पूरे स्कूल अंदर। लेकिन उसके पहले बता देता हूं, इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि लेटर लिखने का सही तरीका क्या है, फिर इसकी फॉर्मेटिंग क्या है, फिर हम एक ऐसा फॉर्मेट प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप सभी लेटर को लिख पाओ, फिर आपके सामने एक एग्जाम्पल भी रखेंगे। अगर आप इसी सेशन में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। देखिए, एक क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है, यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। पहले जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया ये है फॉर्मल लेटर का, लेकिन अथवा वाला जब मैं देखता हूं तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू कम टू स्पेंड सम डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन विथ यू। जब कभी आपको लेटर लिखने को कहा जाए, पत्र लिखने को कहा जाए, उसे हम इनफॉर्मल लेटर में काउंट करते हैं। ये तो हमारे पास एक पेपर हुआ। जैसे हम दूसरा पेपर उठा के देखें तो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन पूछा था। ऊपर पूछता है फॉर्मल और नीचे पूछता है इनफॉर्मल लेटर। देखिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू अटेंड योर ब्रदर एंड सिस्टर मैरिज। कभी कभी हमें दे देता है बर्थडे पार्टी के लिए भी, कि आपके बड़े भाई की बर्थडे पार्टी है वहां आना है, फिर छोटे भाई की, एंगर एंड सिस्टर ब्रदर। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम एक ही फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपको फॉर्मल लेटर लिखने का सही तरीका नहीं पता है तो प्लीज जाइए और इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। बाकी इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड इन स्क्रीन में भी वीडियो को लगा दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब हम अभी साइड करते हैं अपने इस क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिरकार क्या होता है इनफॉर्मल और क्या होता है फॉर्मल लेटर। देखिए, इनफॉर्मल लेटर मतलब जब आप अपने कोई दोस्त को पत्र लिखते हैं कि मेरे प्रिय दोस्त, मेरे भैया की शादी है, तुम भी आना, हमारे और दोस्त आ रहे हैं, ये इनफॉर्मल लेटर है। जब आप किसी दोस्त को बर्थडे के लिए पत्र लिखते हैं, या फिर किसी दोस्त को समर वेकेशन में घूमने जाने के लिए, या फिर किसी को आप किसी के घर में दुर्घटना हो गई उसका संदेश व्यक्त करने के लिए जब ऐसे पत्रों का उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। हिंदी में इसे अनौपचारिक पत्र भी बोलते हैं। परीक्षा में हमेशा 4 नंबर का एक प्रश्न पूछता है, तो इसका कुछ बेहतरीन फॉर्मेटिंग आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए, इनफॉर्मल लेटर जब भी लिखने बैठे तो 3 चीज ध्यान रखें। सबसे पहले आपकी फॉर्मेटिंग सही होनी चाहिए। अगर आप फॉर्मेटिंग सही कर रहे हैं तो 1 नंबर आपको फॉर्मेटिंग का दिया जाता है। अगर आपकी फॉर्मेटिंग सही है तो सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग देखेंगे। फिर आपका कंटेंट या फिर बॉडी, मतलब ये जो बीच में लिखा जाता है, ये लिखा ना बॉडी ऑफ द लेटर, ये जो बॉडी है, बॉडी मतलब मेन बातें, आखिरकार लेटर लिख क्यों रहे हो, अगर ये लिखते हो कंटेंट तो इसके लिए मिलता है आपको 2 नंबर। लेकिन जब आपका एक्सप्रेशन सही रहता है, लिखने का तरीका सही रहता है, आप सही तरीके से उसे व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से लिखते हो तो उसका 1 नंबर मिलता है और ये रहा आपका टोटल 4 नंबर। अब देखिए, करेक्ट फॉर्मेट मतलब फॉर्मेट लिखने का तरीका आपका ये होना चाहिए। अगर आपने फॉर्मेटिंग सही कर दिया और लेटर भले ही गलत लिखे हो, आपका 1 नंबर फिक्स है। लेकिन अगर आपने एक्सप्रेशन भी सही कर दिया, एक्सप्रेशन मतलब जो अंतिम वाला चीज होता है ये, अगर इसे आपने सही कर दिया तो 1 नंबर फिर आपका फिक्स है। अब बचा बीच का बॉडी, और बॉडी बहुत ही सिंपल होता है। वो कैसे, आपके क्वेश्चन में लिखा होता है, क्वेश्चन में जो लिखा है वही तो बॉडी में लिखना होता है। अब देखिए, जरा समझिए, सबसे पहले लिखा है सेंडर्स एड्रेस, मतलब जहां से पत्र को भेजा जा रहा है। अगर आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में एड्रेस दिया है तो वो एड्रेस हम यहां पर लिखेंगे, नहीं दिया है तो आप यहां पर अपने घर का एड्रेस लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एड्रेस केवल आपको 3 लाइन में लिखना है, 1, 2, 3। सबसे पहले या 3 या फिर 2 लाइनों में काम चला जा सकता है। सबसे पहले आपको लिखना है कि आप किस मोहल्ले के हो, फिर दूसरा आपको अपने शहर का नाम लिखना है, और यहां पर आप कोष्टक में एमपी हो तो एमपी, यूपी हो तो यूपी, बिहार से तो बिहार, राजस्थान से तो राजस्थान, ये यहां पर लिखना पड़ेगा। मतलब इसे आप 2 से 3 लाइन में काम चला सकते हैं, इससे ऊपर आपको एड्रेस नहीं लिखना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आगे आता है सेकंड पॉइंट हमारा, डेट। डेट के लिए अब आपको 1 लाइन छोड़ना है अपनी कॉपी का, और 1 लाइन छोड़ने के बाद आपको डेट लिखना है। अब डेट लिखने का भी सही तरीका होता है, देखिए आमतौर पर ये आप दैनिक जीवन में ऐसे डेट लिखते हैं, जैसे आज 19 तारीख है तो 19/3/2024 ऐसे डेट लिखते हैं। लेकिन आपको लेटर में ऐसा नहीं लिखना है, ऐसे डेट वहां पर गलत माना जाएगा।
फिर कैसे लिखेंगे? तो सिंपल से जो 3 लिख रहे हो तो उसे मार्च कर दो, तो 19 मार्च 2024 इस प्रकार से लिखिए, आपको अच्छी मार्किंग होगी और पूरे नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि लेटर में लिखने का सही फॉर्मेट आपके बोर्ड द्वारा यही निकाला गया है। आगे आते हैं, नेक्स्ट आपका कहता है कि आप उनसे किस प्रकार की अभिप्रेरणा कर रहे हैं। अभिप्रेरणा मतलब अभिवादन करना, जैसे डियर फ्रेंड या फिर किसी कोई प्रणाम भी करता है हिंदी में, मैं बात करूं तो ठीक है, तो आपको इस प्रकार के वर्डों को यूज करना है। आमतौर पर इंग्लिश में डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, माय डियर सन या फिर डियर जैसे शब्दों का भी उपयोग किया जाता है, तो हम तरीका बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी, बॉडी मतलब जिस प्रकार से इंसान की बॉडी होती है ना, सेंटर सेंटर का एक सिर हो गया दूसरा पैर हो गया, और बॉडी वैसे लेटर की बॉडी होती है, और बॉडी में वही लिखा जाता है जो लेटर में पूछा गया है। एग्जाम्पल तौर पर हम आपके सामने फिर से पेपर लेकर जा रहे हैं, जैसे इसमें देखो क्या बोला है, इसमें बोला है कि ब्रदर एंड सिस्टर मैरिज, किसी एक के ब्याह के ऊपर लिखो एंड फाइनली यही तुम्हारा बॉडी कहलाएगा। रुको रुको जरा सब्र करो, यहां पर दूसरे पेपर में क्या था हमारा, था समर वेकेशन के बारे में, आप देख सकते हैं, तो इसका बॉडी समर वेकेशन की बातें हम बीच में लिखेंगे, यार दोस्त गर्मी छुट्टी है चलो घूमने चलते हैं, तुम आओ हमारे यहाँ बढ़िया मस्त चिल करेंगे, गर्मी इंजॉय करेंगे, है ना, बढ़िया शर्ट वर्ट उतारे, बढ़िया घूमेंगे यहां से वहां तक, पूरे इस गांव से लेकर के उस गांव तक, उस मोहल्ले से उस मोहल्ले तक, है ना, मस्त चिल करेंगे एक नंबर समर वेकेशन, ये आपकी बॉडी है। एंड हमारा लास्ट बिंदु कहता है, यहां पर देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, मतलब अब आप किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, जैसे योर लविंग, है ना, लास्ट में आपको क्या लिखना है, जैसे आप हिंदी में क्या लिखते हैं, तुम्हारा प्रिय मित्र, है ना, तो योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्रिय भाई, योर लविंग ब्रदर, इस प्रकार की चीजों को यूज करना है। एंड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में सेम वर्ड है, अगर कोई लेटर में नाम वगैरह दिए तो उसको लिखेंगे, वरना यहां पर आप अपने नाम का भी यूज कर सकते हैं। बस ये रहा आपका फॉर्मेटिंग। अब देखिए फिर से जरा सुनिएगा, अगर आप इस पॉइंट को लिखते हैं तो आपको मिलेगा 1 नंबर, अगर आप बॉडी सही करते हैं तो आपको मिलेगा 2 नंबर, और अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज सही करते हैं तो मिलेगा 1 नंबर। अब देखिए चुटकियों में कैसे आप 1 नंबर और 1 नंबर और साथ में 2 नंबर लेकर के जाते हैं, जरा देखिएगा, ये रहा आपके सामने एक वेस्ट फॉर्मेट प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले जैसे कि मैं बोला था आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस 2 या 3 लाइनों हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा A78 आशीष नगर MP रोड जबलपुर, ये मेरा एड्रेस हो गया। एंड एड्रेस जब भी लिखना तो कॉमा वगैरह ध्यान रखना कि कॉमा कहाँ कहाँ लगेगा, इट्स लाइक यहाँ यहाँ, आप कॉमा ध्यान रखिएगा, ठीक, तो ये आपका एड्रेस हो गया। नेक्स्ट आप लिखेंगे अपना डेट, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिखा जाता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 19 फरवरी 2024 को, तो यहाँ पर लिखेंगे 19 फरवरी 2024। अब जैसे मैंने इसको शॉर्ट में फेब लिखा, यदि आप फरवरी पूरा लिखना चाहते हो लिख सकते हो नो डाउट, लेकिन उसके पहले यहां पर डैश है, इसका मतलब यह है कि आपको एक लाइन गैप देना है। आगे बढ़ते हैं, फिर से आपको एक लाइन गैप देना है और लिखेंगे माय डियर, माय डियर का फिर से मैंने डैश किया, मतलब यहां पर आपको कोई ना कोई वर्ड लिखना है। अब यहां पर कौन सा वर्ड लिखेंगे, आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, बस आपको कॉपी करना है, देखना जरा कैसे। यहां पर एक पेपर आपके सामने है, यहां पर लिखा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, क्या लिखा है योर फ्रेंड, मतलब यहां पर आपको डियर के स्थान पर फ्रेंड वर्ड का यूज करना है। अगर आपके लेटर में यहां पर फादर दिया है तो फादर लिखेंगे, मदर दिया तो मदर, ब्रदर दिया तो ब्रदर, सन दिया तो सन, अंकल आंटी जो भी जो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको उन्हीं चीज का यूज करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसे साइड करते हैं। नेक्स्ट अब हमारा यहां से स्टार्ट होता है आपका बॉडी लिखना। अब अगर इतना लिखोगे तो आपको मिलेगा 1 नंबर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब तो तुम्हारा 1 नंबर श्योर हो गया ना, बहुत ही सिंपल है। एड्रेस यदि आपके पेपर में नहीं दिया तो आप अपना एड्रेस लिख देना, डेट जिस दिन लिख रहे हो, और माय डियर फ्रेंड सन या फिर नहीं लिखना तो माय डियर भी लिख के काम चला सकता है, इतने में तुमको आसानी से 1 नंबर मिल जाएगा। अब बताओ हुआ ना आसान, तुमको बहुत टफ लग रहा था कि यार लेटर कैसे लिखेंगे लेटर कैसे लिखेंगे, एंड फाइनली तुम्हारा 1 नंबर बन गया। अब देखना कैसे चुटकियों में और भी नंबर लेकर के आते हैं। अब देखो ये हमारा कहलाता है बॉडी, बॉडी में कुछ मैं मेन पॉइंट लिख करके लाया हूं जो कि सभी लेटर के लिए कंपलसरी है, जैसे आई एम वेल हेयर एंड होप द सेम फॉर यू, मतलब मैं बहुत अच्छा हूं और आशा करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। भाई चाहे कोई भी लेटर हो, इंसान ही पहले बोलता है ना, पहले डायरेक्टली बातें अपनी नहीं की जाती, पहले अभिवादन के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। अरे यार सिंपल सा आप दिमाग लगाओ, जब तुम फोन उठाते हो तो बोलते हो ना हाँ हेलो कौन, हेलो वर्ड पहले मुंह से निकलता है, मतलब आप अभिवादन करते हैं, हेलो मतलब सुनिए होता है, ठीक, तो ऐसे वर्ड को यूज करते हैं, बस आपको भी इसमें ऐसे यूज करना है। एंड लास्ट में आपको यूज करना है प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर एंड लव यंगर्स, मतलब बड़े का आशीर्वाद चाहिए और छोटे को प्रेम,
ठीक ऐसा लिख के आपको एंड करना है, और बीच में जो एक दो तीन चार चार से पांच लाइनें छोड़ना हूं वहां पर आपको मेन पॉइंट लिखना है बॉडी जिसके बारे में हमारे एग्जाम में पूछा गया है। एंड अंतिम में लिखेंगे योर लविंग और यहां पर अपना नाम लिखेंगे अगर आपका नाम यहां पर लिख सकते हो तो, और अगर क्वेश्चन पेपर में किसी का नाम दिया है इट्स लाइक सीता गीता रीता मुन्नी पप्पी चच्ची एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी नाम दिया हो आपको यहां पर लिखना है। देखो जैसे हमारे पास फिर से अगेन पेपर है लेकिन यहां पर कोई नाम नहीं दिया है, ना तो पप्पी लिखा ना तो चम्मी लिखा ना तो कक्की लिखा है, तो हमें यहां पर अपना नाम भी लिख करके काम चलाया जा सकता है। गॉट इट। इस प्रकार से ये रहा हमारा सही तरीके से फॉर्मेटिंग, इसी फॉर्मेट में आपको आंसर्स करने हैं। अब देखिए हमारे एग्जाम में क्या पूछा है, हमारे एग्जाम में पूछा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू कम एंड स्पेंड सम डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन विथ यू। मतलब यार दोस्त गर्मी की छुट्टी में आओ और हम तुम्हारे साथ समय को एक्सपेंड करेंगे। अब देखना इसका जो मैं फॉर्मेट दिखाया हूं उसी फॉर्मेट में किस प्रकार से लिखते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। यहां पर आपका एड्रेस लिखा है 16 रेलवे कॉलोनी जबलपुर एमपी, आपका एड्रेस खत्म। आपने यहां पर डेट मेंशन किया और आपने लिखा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेंड लिखा था। आपका फाइनली एक नंबर फिक्स हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक नंबर यहां तक फिक्स होगा, ठीक है ये डियर फ्रेंड तक। गॉट इट। नेक्स्ट आगे लिखेंगे जैसे कि मैंने फॉरवर्ड में दिया था आई एम वेल हेयर एंड होप द सेम फॉर यू। यहां तक तो हमारा सेम फॉरवर्ड हो गया। एंड एंडिंग पॉइंट यदि देखते हैं तो एंडिंग पॉइंट प्लीज से जो स्टार्ट था एंगल्स तक ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मेन इसकी बॉडी ये रही जो आपको लिखना है एक दो तीन चार, चार लाइन की बॉडी है, इसी बॉडी को लिखना है। अब बॉडी में आपको सिंपल से लिखना क्या है एक बात बताओ, अगर मैं तुमको हिंदी बोलता तो आप क्या लिखते समर वेकेशन के लिए? अगर मैं हिंदी बोलता तो यही लिखते ना कि दोस्त परीक्षा समाप्त हो चुकी है, बहुत दिन से तुमने हमें कोई पत्र नहीं लिखा, शायद है कि तुम अपनी गर्मी की छुट्टी ऐसे ही व्यतीत कर रहे हो आराम से, कुछ काम धाम नहीं है, तो एक काम करो तुम हमारे घर आ जाओ, हम अपने घर में बैठ करके या फिर हम अपने घर में रह करके और एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं, चिल करते हैं, मजे करते हैं, ये लिखते ना, यही लिखते नहीं लिखते हिंदी में, तो फिर इंग्लिश में तो लिखना है। अब देखो जरा समझो, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी लेटर फॉर यू सिंस द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब पेपर समाप्त होने के बाद तुमने अभी तक हमको कोई पत्र नहीं लिखा। आगे लिखना है आई थिंक दैट यू शुड बी पासिंग आइडियल योर समर वेकेशन। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि समर वेकेशन हम लोग का ऐसे ही फालतू खाली नहीं जाएगा, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं आई रिक्वेस्ट यू कम टू जबलपुर। यहां पर एड्रेस में जबलपुर लिखना है क्योंकि आपके होम टाउन का एड्रेस क्या है जबलपुर। अगर यहां पर सीतापुरी होता तो आपको यहां सीतापुरी लिखना है, अगर यहां पर आपका एड्रेस चम्मीपुरी होता तो आपको चम्मीपुरी लिखना है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू कम टू जबलपुर फॉर सम डेज, वी शैल पास सम हैप्पी टाइम टुगेदर। बस खत्म, इतना ही लिखना था कि भाई साहब तुम जबलपुर आ जाओ, मैं आशा कर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अनुरोध करता हूं कि तुम जबलपुर आ जाओ और यहां हम कुछ दिन ले सम मतलब होता है कुछ कुछ दिन साथ में रहकर के समय को व्यतीत करते हैं और फुल्ली इंजॉय करते हैं। एंड फाइनली वही बड़े को प्रेम बड़े से आशीर्वाद छोटे को प्रेम एंड योर लिविंग एंड यहां पर आप अपना नाम लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर आशीष लिख दिया। यदि आपका नाम कल्लू है तो कल्लू लिखिएगा, पप्पू है तो पप्पू लिखिएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा पूरा फॉर्मेट रहा। कैसा रहा ये फॉर्मेट? अब देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है मैं एक बात बताऊंगा और दूसरी बात बताऊंगा कि फॉर्मेट के लिए एक चीज और ध्यान रखना। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेट के लिए हम कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए जब भी लिखने बैठना तो इधर इधर की जो लाइनें हैं एकदम सीधी लाइन पर है, इस चीज को ध्यान रखना, टेढ़ा मेढ़ा मत करना, पूरा का पूरा एकदम सीधा है। देखो जैसे कि मैंने लिखा है। और दूसरी बात जो आपकी एंडिंग पॉइंट की लाइनें हैं कुछ इस प्रकार से, ये भी हमेशा आपका सीधा होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर सच में आप ऐसा लिख के आते हैं तो डेफिनेटली एग्जामिनर बहुत खुश होगा आपसे और आपको अच्छे मार्क्स देगा। बाकी मैंने बताया है कि इसके बाद एक स्पेस देना है, फिर इसके बाद एक स्पेस देना है, फिर इसके बाद एक स्पेस देना और पूरी बातें लिखेंगे, फिर यहां पर आपको एक स्पेस देना है, फिर पूरी बातें लिखेंगे, फिर यहां पर आपको एक स्पेस देकर के ये लिखना है, फिर अपना नाम लिख करके और एंड करना है। चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इस फॉर्मेट के लिए कौन कौन सा लेटर एप्लीकेबल है। तो ये देखिए आपके सामने कुछ इनफॉर्मल लेटर लिखा है, जैसे लिखा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू कम टू स्पेंड सम डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन विथ यू, इसको तो हमने कवर कर लिया। एंड इसके बाद आपको प्रिपेयर करना है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू अटेंड योर ब्रदर्स एंड सिस्टर मैरिज। एंड आपका थर्ड पॉइंट हो गया राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइट हिम टू योर बर्थडे पार्टी।
या आपका 3 हो गया। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप होमवर्क को सॉल्व करके और मुझे व्हाट्सएप जरूर करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7470705 and 703। आपको करना है 3rd नंबर के क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा और इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेक आउट कीजिए। ओके, बाय बाय।